महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सतीश गर्ग का लिखा प्रहसन डूब की चोरी, निर्देशक सत्येंद्र शरद। चौकीदार, चौकीदार। यस साहब। क्या यस साहब, यस साहब करता है चौकीदार? चौकीदार चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। कहाँ मर गया था? मरा नहीं साहब, जिंदा हूँ। आपका गला जरूर सूख गया साहब। जा पानी पिलाए गिलास। जरूर पिलाएगा साहब, आप जैसे बहुत साहबों को पानी पिलाया। क्या बकता है? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं साहब का बच्चा? बच्चा हम नहीं साहब। तो फिर क्या मैं हूँ? हम कैसे बोले साहब। जा जा, बहुत बातें न बना, अपना काम कर। ओफो, अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, पानी तो ले आ। पानी पिलाना हमारा काम नहीं साहब। अच्छा बाबा, तू मेरा अफसर है? नहीं नहीं निगम बाबू, अफसर तो आप है, हम तो चौकीदार है। अच्छा सुन जी, माचिस है तेरे पास? माचिस तो नहीं है, लेटर है। अरे वो बीड़ी तो? बीड़ी भी है साहब। अच्छा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जी साहब, आप भी बहुत अच्छा है। ऐसा जी, काश वो कमबख्त बड़ा बाबू भी ऐसा समझेगा साहब। कब समझेगा? जब आप बड़ा बाबू हो जाएगा। अरे वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। साहब एक बात बोले? अरे एक नहीं दो बोलो। साहब वो लान का घास कोई चर गया। क्या बकते हो, घास चर गया? जी साहब। कौन चर गया? मैंने नहीं चरा साहब, माली से पूछे, घास उसके चारज में है। ओफो, वो तो मुझे भी मालूम है, पर जब कोई चर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? सच बोले साहब, हम सो रहा था साहब। तुम्हें यहाँ सोने के लिए रखा है? नहीं साहब। तो फिर तुम ड्यूटी पर कैसे सोए? हम तो साहब रात के वक्त सोया, आप बड़ा बाबू और सब लोग तो दिन में दफ्तर में सोता है। आप बकते हो? सच बकता है साहब। तुम्हें मालूम है तुम किससे बातें कर रहे हो? हाँ साहब, आपसे। और कहाँ बातें कर रहे हो? जी साहब दफ्तर में। और ये बकवास कर रहे हो? माफ कीजिए साहब, अब नहीं करेगा, अब कभी सच नहीं बोलेगा। ओ शू, गेट आउट। माय गॉड, वो बुढ़ा खूसर तो मेरी जान ही ले लेगा। जाता है साहब। अब क्या करूं? बड़े बाबू, आज आप बहुत यंग लग रहे हैं। क्यों? जी ये बुशर्ट आप पर बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है, नई खरीदी है शायद? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लो सिगरेट पियो। शुक्रिया बड़े बाबू। बड़े बाबू एक घपला हो गया। देखिए मिस्टर निगम, आप बहुत घपले करते हैं, मैं आपसे इस बारे में पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ, आखिर मेरे कहने पर बड़े साहब आपको कब तक माफ करते रहेंगे? और फिर आज तो चीफ साहब मुआयने पर आ रहे हैं, बड़े साहब का मूड वैसे भी खराब है। जी उसी की तो चिंता है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, डिप्टी साहब है, आप अपना काम कीजिए। पार्टी का सारा इंतजाम हो गया? जी हाँ, वो तो सब हो गया, मगर मगर वगर क्या? ऑफिस के लॉन में जहाँ पार्टी होने वाली थी ना, हाँ, वहाँ की धूप कोई चर गया। क्या? जी हाँ, लॉन का सारा शो खत्म हो गया, हरा भरा लॉन गंजा हो गया। और आप मुंह ताकते रहे? सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो पिछले एक हफ्ते से इस पार्टी के इंतजाम में बिजी हूँ, सुबह निकलता हूँ तो शाम ही को लौट पाता हूँ, कल शाम तक तो सब ठीक था। तो फिर कल रात में ऐसी क्या मुसीबत आ गई? बड़े साहब सुनेंगे तो खा जाएंगे। चलिए दिखाइए मुझे कहाँ पर घास नहीं है, आइए चलिए। अरे ये? जी। तुम कहते हो इसे कोई चर गया? जी। इसे नहीं, तुम्हारी अकल को कोई चर गया है। जी। इसे किसी ने चरा नहीं, कोई चुरा ले गया है, समझे? इतनी बढ़िया घास पूरे शहर में नहीं है। जी इधर के हिस्से की तो सारी घास ही खोद कर ले गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी मुझे आज ही पता चला। कुछ भी हो, आपको मुझे पहले बताना चाहिए। पहले कैसे बताता बड़े बाबू? देखिए निगम बाबू, मुझे आपकी ये आदत कतई पसंद नहीं, आप घर बैठे छुट्टी की दरखास्त भी इसी तरह भेज देते हैं, लिख देते हैं अचानक तबीयत खराब हो गई, आपको सब बातें पहले ही बता देनी चाहिए। आगे ध्यान रखूंगा बड़े बाबू। आगे तो ध्यान रखेंगे, मगर अभी क्या होगा? जी वही तो समझ में नहीं आ रहा, ये चोरी हुई कैसे? जी मुझे नहीं मालूम। आपको कुछ मालूम भी है? जी हाँ। क्या? जी कुछ नहीं। अब मैं बड़े साहब से क्या कहूँगा, इस दफ्तर के चौकीदार ठीक से काम नहीं करते, रात को गश्त लगाने के बजाय पड़े सोते रहते हैं, तभी तो कोई इतनी सारी घास ले गया। आपका मतलब है अब मैं रात को आकर चौकीदारों की चौकीदारी किया करूं? इस दफ्तर में अपनी ड्यूटी करता ही कौन है, सब मस्ती मारते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो फंसते हैं बेचारे बड़े बाबू। तो मैं जाऊं बड़े बाबू? जी जी जी, जाइए जाइए, मुझे भी डिप्टी साहब के पास जाना होगा। मिस्टर
मे आई कम इन सर? आइए बड़े बाबू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बच्चे ठीक हैं? थैंक्स। सर आपके बड़े लड़के की कौन सी डिवीजन आई? इस साल तो फाइनल था। सेकंड रह गई। सेकंड सर? हाँ, 55% मार्क्स हैं। 5% से फर्स्ट क्लास रह गया। जरूर कुछ घपला हुआ है। आप स्क्रूटनी करवाइए सर। स्क्रूटनी से क्या होता है? होता कैसे नहीं सर, आपके लड़के का तो फर्स्ट क्लास ही आना चाहिए था। सर आप अपने स्टेनो को डिक्टेट करा दीजिए, मैं आज ही उसे इश्यू करवा दूंगा। आप खफा ना हो तो एक बात कहूं सर? कहिए कहिए, खफा क्यों होऊंगा? यही तो सर, आप कितने अच्छे हैं। मैं हमेशा अपने स्टाफ से यही कहता हूं, हमारे डिप्टी साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और फाइल तो ऐसे डिस्पोज करते हैं खटाखट के बस। अब तो बस यूं ही तारीफ करते हैं। नहीं सर, जो बात सच है वो तो कहनी ही पड़ती है। मुझे 20 साल हो गए सर्विस करते, आप जैसा हंसमुख अफसर मैंने आज तक नहीं देखा। चीफ साहब के लिए सारा इंतजाम हो गया? जी सर। लंच पार्टी, इश्यू ऑफ इन्विटेशन? जी हाँ, सब हो गया है, मैंने खुद अपने सामने करवाया है। कहीं कोई कसर? जी कतई नहीं। बहुत ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े बाबू जी, आपको इस पोस्ट पर काम करते कितने साल हो गए? क्या पूछते हैं साहब, एक अरसा गुजर गया, 10 साल तो हो ही गए। अब तो लगता है इसी पर रिटायर हो जाऊंगा। आज चीफ साहब आ रहे हैं जी, मैं बड़े साहब से कहूंगा, अगर वो चीफ साहब से कह दें तो कुछ हो सकता है। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो आपका हक है। आपको कभी कोई बैड एंट्री तो नहीं मिली? अभी तो नहीं मिली, पर साहब ये लड़के लोग जो ना करा दें वो थोड़ा है। क्यों, आपके लड़के क्या? जी जी, मेरा मतलब दफ्तर के इन छोकरे बाबुओं से है। जी अब देखिए ना, निगम बाबू से मैंने कहा था कि पार्टी का सारा इंतजाम ठीक से करें, सब कुछ मैंने अपने सामने करवाया, पर बताइए दिन भर मैं वहाँ कैसे खड़ा रहता, बूढ़ा आदमी ठहरा। क्यों क्यों, क्या हुआ? जी वहाँ का मखमली लान चौपट हो गया। क्या कहा आपने? वहाँ की धूप कोई चुरा ले गया। आप सब लोग क्या कर रहे थे? जी कुछ नहीं। तो फिर उसे कौन ले गया? पता नहीं सर। ठीक है, आप सब लोग निकम्मे हैं, आप लोगों से ना फाइल संभाल कर रखी जाती है और ना घास। यस सर। बड़े साहब के लिए मैं वो घास खास तौर पर दिल्ली से लाया था। आज जब वो पार्टी के बहाने चीफ साहब को दफ्तर का बागीचा दिखाते, लोगों से उसकी तारीफ करवाते, मगर आपने सब चौपट कर दिया। आपको मालूम है चीफ साहब बागीचे के कितने शौकीन हैं? सर सर मुझे बचा लीजिए। आपको अपनी पड़ी है, मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? बड़े साहब कहेंगे ये सब तुम्हारी ढिलाई का नतीजा है। ये सब तुम्हारी ढिलाई का नतीजा है सर। तुमने सब लोगों को सर पे बिठा रखा है। यस। तुम्हें मालूम है ये खूबसूरत घास मैंने खास इसी मौके के लिए इतनी दूर से मंगवाई थी। जी तो फिर तुम्हारे रहते हुए कैसे गायब हो गई? जी मुझे बहुत अफसोस है। मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, समझे? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है सर। तो मेरा है? नहीं सर, मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? सॉरी सर। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ऐसे मामले में बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं सर, आप बहुत अच्छे आदमी। जी नहीं, मैं एकदम बुरा हूँ। यस। व्हाट? यस सर। कुछ नहीं सर। डिप्टी साहब आपका दिमाग तो ठीक है? नहीं सर। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर। मैं पूछता हूँ वो घास कौन ले गया? ये दफ्तर है या मजाक? जिसके जी में जो आता है उठा ले जाता है। ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर कैसी बात है? कल शाम तो सब ठीक था, मैं खुद देख कर गया था, आज जब फिर इंस्पेक्शन करने गया तो इसका पता चला। अब क्या होगा सर, चीफ साहब के आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। आपका सर होगा, सब चौपट हो गया। क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे चीफ साहब? सर आई एम रियली सॉरी, मैं अकेला क्या क्या करूं, इतना स्टाफ जो है आपके नीचे। किस काम का, सब निकम्मे हैं। आप मुझे नाम बताइए, मैं उसे सस्पेंड कर दूंगा। नाम क्या बताऊं सर, बड़े बाबू को ही ले, इतने साल हो गए काम करते मगर किसी पर भी उनका कंट्रोल नहीं है। कहां है बड़े बाबू, बुलाइए उन्हें। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मुझे याद किया। बड़े बाबू जी, आप जानते हैं साहब कितने नाराज हैं? मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हुजूर? बड़े बाबू मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप अपने स्टाफ पर जरा भी कंट्रोल नहीं रखते। आपको मालूम है
आज चीफ साहब आ रहे हैं और बागीचे की लॉन की घास चोरी चली गई। क्या कह रहे हैं सर? आप दिन भर दफ्तर में काम करते हैं या सोते हैं? सर, मेरी 20 साल की सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाड़ में गए आपके 20 साल और आपकी सर्विस। यस सर। देख लीजिए, चीफ साहब के आने तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप जाने, मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा। हुजूर, मैं निगम बाबू से पूछता हूं। आपके जाने की जरूरत नहीं, उन्हें यहीं बुला लीजिए। बहुत अच्छा। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग बड़े साहब। गुड मॉर्निंग डिप्टी साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर निगम जी। आपको मालूम है आज चीफ साहब की पार्टी है और इस पार्टी का इंतजाम मैंने आपको सौंपा था। जी हाँ, वो तो सब हो गया, खाक हो गया। आपको मालूम है लॉन की घास चोरी चली गई? जी। आप मुंह बाए क्या देख रहे हैं? ये आपका घर नहीं है मिस्टर निगम, दफ्तर है दफ्तर। यहाँ लड़कपन से काम नहीं चलेगा, आपको हर काम जिम्मेदारी से करना होगा। आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, समझे? जी। अभी इसी वक्त बताइए कहाँ गई वो घास। बड़े बाबू वो क्या बताते क्यों नहीं? जी मैं माली से पूछता हूँ। बुलाइए माली को। बहुत अच्छा। माली, माली। जी हजूर। सलाम हजूर। तुम इस दफ्तर के माली हो ना? हम तो आप सब लोगों का माली हैं हजूर। तुमसे जो पूछते हैं उसी का जवाब दो, बेकार की बकवास मत करो। कोई गलती हुई गायका साहब? दफ्तर के लॉन की घास तुमने लगाई है ना? हाँ हजूर, हम ही तो लगाई है। उसकी देखभाल भी तुम ही करते हो? जी साहब, हम ही करते हैं। तुम्हें मालूम है इतनी बढ़िया धूप बड़े साहब ने दिल्ली से मंगवाई थी? हाँ हजूर, वो हम जानत। इतनी बढ़िया धूप यहाँ कहाँ मिलत है? तो फिर तुमने उस धूप को किसे बेचा? बेच दिया हजूर, का कहते हैं? देखो माली, ठीक ठीक बता दो, नहीं तो समझो आज से नौकरी खत्म। और नौकरी ही नहीं, पुलिस में रिपोर्ट भी होगी। जुर्म साबित हो गया तो जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। हजूर, ऊ लान की धूप, ऊ का तो हम आज सवेरे बड़े हजूर के बंगले पर लगा दिए हैं। कहा बताई सरकार, बहुत दिनों से मैम साहब कही रही सो हम हुआ लगा दिए। ओ आई सी। वाह भाई वाह, आप लोग भी इतनी सी बात का बतंगड़ बनाए हुए हैं। अरे लॉन में घास नहीं रही तो क्या हुआ, वहाँ पर दरी बिछा दी जाएगी। सर, अपने यहाँ चांदनी भी तो है, दरी के ऊपर उसे बिछवा दीजिए। चांदनी क्या हुजूर, उसके ऊपर गालीचे बिछवा देंगे और उसके चारों तरफ गमले मैं रख दूंगा सर, बहुत अच्छा शो हो जाएगा। की चोरी। अभी आपने सतीश गर्ग का लिखा ये प्रहसन सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। घूंघट फिल्म किस गा